मैंने जो अपनी नजदीकी से जो गरीबी देखी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो गांव है, देहात है, मेरा जो बच्चा है वो गरीबी के कारण या सुविधाएं जो नहीं मिली इनके कारण जो है वो पीछे रह जाए। यहाँ नजफगढ़ क्षेत्र में एक एक गांव में गए, वहाँ पर क्रॉस कंट्री या जो भी छोटे छोटे इवेंट्स वो कराए, वहाँ कराने के बाद हमें अच्छा टैलेंट मिला। टैलेंट में कोई कमी नहीं है। मेरा नाम सुरेंद्र फौजी है, मेरा गांव असालतपुर खावद है। 2008 में मैं बीएसएफ से रिटायरमेंट होके आ चुका हूँ। मेरे पास स्पोर्ट्स का ज्ञान है, शिक्षा का बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पोर्ट्स किया, और मैं उसको कम से कम बेसिक बच्चों को सिखा सकता हूँ, कम से कम नेशनल में मेडलिस्ट वो बन सकते हैं। और उसके बाद जब गांव देहात से जब बच्चे आगे निकलेंगे, अपना रास्ता उसका खुद का मिल चुका होगा उस समय तक। कोई चोट तो नहीं है? कोई बॉडी में दर्द? आपकी 45 मिनट ट्रेनिंग होगी, स्टैंड ट्रेनिंग। रेडी स्टार्ट। आज से 9-10 साल पहले 2008 में इन बच्चों के लिए काम स्टार्ट किया, और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा है। बच्चे नेशनल मेडलिस्ट हैं, और नितिन त्यागी जैसे जो बच्चे हैं उन्होंने तभी नेशनल का रिकॉर्ड भी बनाया 800 मीटर का। हमारे यहाँ पर इतना तो माँ बाप भी नहीं करते होंगे जितना हमारे गुरु सुरेंद्र फौजी सर अपने देहात के बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है किसी जाति का, कोई भी। सबसे पहला जो स्टूडेंट अरुण था, एक चाय की दुकान से हमने लिया था, उनके पेरेंट्स से बोला था कि भाई इस बच्चे को हम हिंदुस्तान के लिए एशियाड ओलंपिक के मेडल के लिए हम तैयार करेंगे। आज वो अरुण एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया है उसने। ट्रैक के लिए काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ा, दौलतपुर गांव चुना, उसको फिर ठीक किया, उसमें 4 लाख के लगभग हमने खुद अपना पर्सनल पैसा लगाया उसके अंदर। उसके बाद सतपाल पहलवान जी के पास हम गए, और उसके बाद एक मैराथन का यहाँ आयोजन कराया दौलतपुर गांव में, और यहाँ पर कम से कम भी अपने पार्टिसिपेंट जो है वो काफ़ी सारे आए थे, 4 से 5 हज़ार के करीब। तो उसके साथ उन्होंने उसी दिन वादा किया कि यहाँ पर एक स्टेडियम की मैं घोषणा करता हूँ सिंथेटिक ट्रैक की। पेरेंट्स को भी चिंता होती थी कि भाई बेटियाँ इतने रात को घर, गांव देहात का मामला है। फिर यहाँ के भी जो कुछ समाज में जो लोग होते हैं उन्होंने भी ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। सुरेंद्र बेटा ने जब ये बीड़ा उठाया तो ये कहने लगे, आंटी हमारे पास लड़कियाँ आती हैं लेकिन उनके माँ बाप मना कर रहे हैं। और भाई ऐसे कैसे मना कर रहे हैं? फिर मैंने उनको तसल्ली दिलाई, मगर जब तक आपकी बेटी ग्राउंड में रहेगी तब तक मैं उसके साथ रहूँगी, आपकी बेटी को आपके घर छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगी। उसके बाद गुरुकुल की स्थापना की, वहाँ पर बच्चों को खाने का और साथ में एक छोटी सी गौशाला का एक रूप दिया है, और उनकी सेवा करते हैं। वही जो दूध है वो उन बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क बच्चों को पिलाया जाता है। गुरुकुल से परफॉर्मेंस ज़्यादा आई है बच्चे की, क्योंकि इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा प्रैक्टिस होती है, और इकट्ठा उनको डाइट, सबको बराबर डाइट मिलता है। मुझे खुशी होती है जब मेरे गांव देहात के जो बच्चे जहाँ उनको सुविधा नहीं मिली और वो फिर भी जैसे तैसे करके और वो नेशनल मेडल विजेता बने हुए हैं, और दूसरे देश में खेलने के लिए कुछ बच्चे जा चुके हैं, तो वो मतलब इतनी खुशी है जो मैंने कभी सोची भी नहीं। मेरा तो यही है कि मैं इन बच्चों के लिए लगातार प्रयास करता रहूँगा, और आखिरी सांस तक इन बच्चों के लिए और इन युवाओं के लिए मैं लड़ूँगा। जय हिंद।